हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास टेंथ ज्योग्राफी का चैप्टर सिक्स का हमारा फर्दर पार्ट। यहाँ हम एक चीज दी है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न को टू जापान। अदर इम्पोर्टर्स जो हैं कॉटन गुड्स के फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। मतलब आप देख सकते हैं कि इंडिया से यार्न जो है वो कहाँ कहाँ जाता है या कौन सी कंट्रीज में जाता है। तो इतनी सारी कंट्रीज जो है वो इम्पोर्टर्स हैं, मतलब लेने वाली हैं इंडिया से यार्न को। देख सकते हैं हमें यहाँ मैप दिया हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इंडिया में, और जो के हमें यहाँ पर दिखाया है कॉटन टेक्सटाइल्स कहाँ कहाँ है। जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, सूरत, वडोदरा, राजकोट, पोरबंदर। वूलन टेक्सटाइल की बात करें तो ये हमें बैंगलोर में यहाँ दिख रहा है, उसके बाद मुंबई में भी है। ये डिफरेंट जगहों पर हमें दिया है, शाहजहानपुर में है। सिल्क टेक्सटाइल की बात करें तो ये हमें ज़्यादातर ऊपर की तरफ श्रीनगर और बारामूला, इन सब जगहों पर दिख रही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है कॉटन, वूलन और सिल्क इंडस्ट्रीज का। इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है इसके अंदर ऑफ स्पिंडल्स ऑफ द इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू चाइना। मतलब चाइना के बाद देखिए तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है इनके अंदर स्पिंडल्स की, एट अराउंड 34 मिलियंस। मतलब ये 2003-04 का रिकॉर्ड है। सीन्स द मिड 80s, मतलब 80s के मिडिल में या मिड 80s में बात करें तो स्पिनिंग सेक्टर जो था ये रिसीव करता था लॉट ऑफ अटेंशन को। We have a large share in the world trade of cotton yarn. मतलब हमारे पास में काफी अच्छा शेयर है वर्ल्ड ट्रेड कॉटन यार्न में, अगर कंसीडर करें तो। अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड, टोटल ट्रेड का 25% पार्ट जो है वो तो हमारे पास ही है कह सकते हैं कॉटन यार्न का। However, our trade in garments is only 4% of the world's total. लेकिन फिर भी हमारा ट्रेड जो है या हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड, मतलब हमारा जो बिजनेस या हमारा काम जो है वो ओनली गारमेंट्स को लें तो 4% ही है। मतलब 4% ही हमारा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के टोटल गारमेंट्स के प्रोडक्शन में। अवर स्पिनिंग मिल्स आर कंपेटिटिवली एट ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल दिस फाइबर वी प्रोड्यूस। हमारी स्पिनिंग मिल्स जो हैं ये कंपेटिटिव हैं ग्लोबल लेवल पे, और ये कैपेबल है, मतलब एबल है कि वो यूज कर सकती हैं फाइबर्स को जो हम प्रोड्यूस करते हैं। वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते हाई क्वालिटी यार्न को जो प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी कंट्री में। कुछ लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं इस सेगमेंट में, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है ये एक फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स में किया जाता है जो कैटर करता है लोकल मार्केट को, मतलब लोकल मार्केट में बेचा जाता है या वहाँ पर ही होता है। ये मिसमैच जो है मेजर ड्रॉबैक है हमारी इंडस्ट्री के लिए, मतलब इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए। और इसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारे हमारे स्पिनर्स एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन यार्न को, वाइल अपैरल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इम्पोर्ट करते हैं फैब्रिक को। मतलब आप ये देखिए कि यहाँ से जिस चीज़ से फैब्रिक बनेगा हमारे पास वो चीज़ भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो यार्न जो हमारे पास है उसे हम दूसरी कंट्रीज में दे देते हैं, एंड देन दूसरी कंट्रीज से हम फैब्रिक, मतलब डायरेक्टली कपड़ा लेकर आते हैं जिस पे डिज़ाइन करके हम जो हमारा पर्टिकुलर क्लॉथ है वो बनाते हैं। यार्न सोल्ड किया जाता है ₹85 per kg के रूप में, मतलब 85 per kg ये रेट दिया है। अगर वो सोल्ड किया जाए एज अ ट्राउजर इट फेचेस ₹800 per kg। मतलब अगर हम बात करें कि एक ट्राउजर के रूप में अगर उसे बेचा जाए तो 800 per kg के रूप में बिकेगा, रेट में बिकेगा। वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फैब्रिक टू यार्न टू फैब्रिक टू गारमेंट। मतलब यार्न से फैब्रिक, फैब्रिक से यार्न और यार्न से लेकर गारमेंट, ये बनने के लिए डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी पड़ रही है। और जैसे जैसे आप उस चीज़ पर प्रोसेस करेंगे डेफिनेटली उस चीज़ का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, मतलब although कि हमारे अंदर हमने बहुत ज़्यादा increase किया है, significant increase किया है production of good quality में staple cotton के 9 to 32 lakh bales in 2004-05, और ये need करता है to import is still felt. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sector in particular. मतलब अगर देखें तो यहाँ पर मैं power supply एक erratic है, while machinery की जो ज़रूरत है वो upgrade करना बहुत ज़रूरी है weaving के लिए और processing के लिए इस sector में। अदर प्रॉब्लम्स जो हैं ये लो आउटपुट की, लेबर्स के और स्टिफ कॉम्पिटिशन्स की सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती हैं।
जूट टेक्सटाइल की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल का, रॉ जूट का और जूट गुड्स का, और ये स्टैंड करता है सेकंड प्लेस पे एक्सपोर्टर के रूप में बांग्लादेश के बाद। मतलब जूट जो है बांग्लादेश से तो एक्सपोर्ट होता ही है दूसरी कंट्रीज में, पर हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री मानी गई है जूट के एक्सपोर्ट के लिए। अबाउट 70 जूट मिल्स जो है इंडिया में है, और मोस्ट ऑफ दिस जो है ये वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है इन द नैरो बेल्ट, मतलब 98 किलोमीटर लॉन्ग और 3 किलोमीटर वाइड जो बेल्ट है वहां पे आपको मोस्टली यहाँ की ये जो इंडस्ट्रीज हैं जूट मिल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। पहली जूट मिल जो थी वो सेटअप की गई थी कोलकाता के पास में इन 1859 एट रिशरा। आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ तो जूट मिल्स जो थी वो इंडिया में ही रही, बट 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे वो बांग्लादेश के अंडर में चले गए। फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लोकेशन के लिए इन द हुगली बेसिन, ये प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, मतलब उस जगह पर ज्यादा जूट प्रोड्यूस होता है इसलिए वहां पर ज्यादा बनी हुई है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा नहीं लगता क्योंकि रिवर के बेसिन पर ही बना हुआ है। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, वहां से रेलवे का सपोर्ट भी काफी अच्छा है जिससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। रोडवेज, वाटरवेज, सारी फैसिलिटीज जो हैं रॉ मटेरियल को इजीली मिल तक लाने के लिए वहां पे काम में आती हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट मार्केट तक जाने के लिए भी सारी चीजें या सारे वेज अवेलेबल हैं इजीली। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है। चीप लेबर मिल जाते हैं वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग स्टेट से, मतलब बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कोलकाता से, जो लार्ज अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ से बहुत सारे लेबर्स मिल जाते हैं। कोलकाता एक लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड करता है बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी को एक्सपोर्ट के लिए जूट गुड्स के। जूट इंडस्ट्री सपोर्ट करती है 2.61 लाख वर्कर्स को डायरेक्टली, और अनदर 40 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उन्हें भी इंगेज कर लिया, जो इंगेज होते हैं कल्टीवेशन में जूट और मेस्टा के। मतलब कह सकते हैं कि जूट इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या काम मिल सकता है, देख सकते हैं 2.61 लाख वर्कर्स तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उस इंडस्ट्री में, और जो कल्टिवेट करते हैं वो 40 लाख स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो एसोसिएट किए गए हैं इस इंडस्ट्री में इनडायरेक्टली। चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं इंडस्ट्री को उसमें इंक्लूड होता है स्टिफ कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट जो होते हैं आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं कि जो बनाए जाते हैं जूट, उसके कारण थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ता है या कॉम्पिटिशन फेस करनी पड़ती है अदर कॉम्पिटिटर्स से, जैसे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड एक्सेट्रा। However, internal demand जो है ये जो है on the increase due to government policy of mandatory use of jute packaging। एक internal चीज ये हो गई है कि jute की चीजों का use करना या jute के कपड़े की थैली या jute की थैलियां use करना, ये government ने कुछ mandatory चीजें या बहुत compulsory चीजें कर दी हैं जिसके कारण भी jute का production जो है वो बढ़ गया है या jute की demand जो है वो increase हो गई है। Stimulate करने के लिए demand को products की को जरूरत थी diversify करने की। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी जो थी वो फॉर्मुलेट की गई थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, और उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, इंप्रूव करें क्वालिटी को, एंश्योर करें कि गुड्स की प्राइजेस जो हैं टू द जूट फार्मर्स और एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर। वो क्या रख रहे हैं प्राइजेस वो जूट फार्मर्स को बताना और एनहांस करना, मतलब और ज़्यादा बढ़ाना है उसके यील्ड को, मतलब उसकी ग्रोथ को, कि पर हेक्टर जितना भी जूट फॉर्म हो रहा है उससे ज़्यादा हो, ऐसी कोशिश करना ये काम था या नेशनल जूट पॉलिसी का काम ये था या उन्होंने इसलिए फॉर्मुलेट की थी। मेन मार्केट्स जो थे USA, कैनेडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, UK और ऑस्ट्रेलिया हैं जूट के। ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स, और ग्लोबल कंसर्न के हिसाब से और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनने के लिए जूट टेक्सटाइल बहुत ही अच्छी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, मतलब इजीली डिग्रेड हो जाता है ये, और इसीलिए इसे फिर से एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिली है जूट के प्रोडक्ट्स को कि वो वापस से मार्केट में अपनी डिमांड को लें। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। शुगर इंडस्ट्री जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।